पूरे देश के साथ साथ दुनिया की नजरें इस वक्त चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। सभी लोगों को 23 अगस्त की शाम का बेसब्री से इंतजार है, जब चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो ने बताया है कि लैंडर की बुधवार 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंडिंग की उम्मीद है। इसी बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर निर्णय लेंगे कि उस समय इसे उतरना उचित होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कारक अनुकूल नहीं लगता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतारेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम 23 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतारने में सक्षम होंगे। खुशी की बात यह है कि चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से संपर्क हो गया है। इसरो ने इस बारे में बताया कि स्वागत है दोस्त, चंद्रयान 2 ऑर्बिट ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। दोस्तों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित हो गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इसरो ने इससे पहले 2019 में भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन तब चंद्रयान 2 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ साथ रूस ने भी अपने लूना 25 को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए भेजा था। हालांकि अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद लूना 25 शनिवार को चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने रविवार को 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की थी। ऐसे में अब सबकी नज़रें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदन मॉड्यूल मिशन की शुरुआत होने के 35 दिन बाद बृहस्पतिवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे। इसरो ने चंद्रमा की कई तस्वीरें भी जारी की हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की चांद पर लैंडिंग के कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, जो इसरो की वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर आप देख सकेंगे। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐतिहासिक क्षण है, जो न केवल उत्सुकता बढ़ाएगा बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण की भावना भी उत्पन्न करेगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।